नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राजभवन मार्च निकाला था, जिसमें पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, मगर यह कार्यकर्ता रुके नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में विशन पटेल भी पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस बल जो है वो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, मगर नेताओं के दमखम के आगे पुलिस वालों की कुछ चलती नजर नहीं आ रही है। वहीं आजकल पटना में ज़्यादा देखे जाने वाली यह महिला पुलिस की जो सिपाही हैं, उन्होंने भी जब महिला कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो देख लीजिए कि कार्यकर्ता ने महिला पुलिस का क्या हाल किया। महिला पुलिस बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही हैं महिला कार्यकर्ताओं के आगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से कार्यकर्ता पुलिस को ढकेलते हुए ले जा रही है और पुलिस की एक नहीं चल रही है। बिहार पुलिस में नए सिपाहियों की बहाली हुई है, इसमें से कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, जिसके तहत महिला सिपाही भी भर्ती हुई हैं, जिन्हें किसी भी प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को रोकने का जिम्मा मिलता है, मगर साफ साफ यह महिला पुलिस फेल होती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को रोकने में भी असफल, और किस तरह से कार्यकर्ता इनका बुरा हाल कर रहे हैं यह भी आप साफ साफ देख सकते हैं। सीनियर पुलिस अधिकारियों से पर्सनल बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि ये जो नौजवान भर्ती हो रहे हैं इनमें पुराने जवानों की तरह कैपेबिलिटी नहीं है, आसानी से भर्ती हो जाते हैं और जब भीड़ का प्रदर्शन होता है उसके आगे फेल हो जाते हैं। मेहनत करने की क्षमता थोड़ी कम है, टिक पाने की क्षमता थोड़ी कम है, और तस्वीरें भी कुछ यही बता रही हैं, जिसकी चिंता बिहार पुलिस को अभी से होने लगी है। बहरहाल बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।